शुरुआत बड़ी खबर के साथ जो कि जुड़ी हुई है महाराष्ट्र के चुनाव से, जहां पर बीजेपी के लिए 7 प्रचारकों की सूची सामने आ चुकी है। पीएम मोदी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह इसमें शामिल, अमित शाह, नितिन गडकरी, सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम भी इसमें मौजूद है, सीएम भूपेंद्र भाई पटेल, वीडी साई भी प्रचार करेंगे। लिस्ट है आपकी टीवी स्क्रीन पर, इसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ ही साथ हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का भी नाम शामिल है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम और इसके बाद तमाम बड़े चेहरे जो कि बीजेपी के पक्ष में वहां पर करेंगे प्रचार प्रसार। हमारे साथ इस वक्त हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर कनेक्टेड है। अदिति, महाराष्ट्र के लिए बीजेपी स्टार प्रचारकों की सूची सामने आ चुकी है। अदिति, आवाज मिल रही है आपको? इसमें तमाम कैबिनेट के चेहरों का नाम शामिल है। नरेंद्र मोदी कैबिनेट के साथ साथ स्टेट यूनिट के कई बड़े नेताओं का नाम शामिल है। इसमें मुख्यमंत्री आप देखिए कैसे विष्णुदेव साय, मोहन यादव के साथ साथ भजनलाल शर्मा, नायब सिंह सैनी, इन तमाम हेमंत विश्व शर्मा, देवेंद्र फडणवीस, शिवराज सिंह चौहान, इसके साथ साथ शिव प्रकाश, भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव, नारायण राणे, पीयूष गोयल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अशोक चौहान के साथ साथ पंकजा मुंडे और चंद्रकांत पाटिल और महाराष्ट्र के भी जो दिग्गज चेहरे हैं, जो इन्फ्लुएंशियल चेहरे हैं, गिरीश महाजन, रविंद्र चौहान, इसके साथ साथ स्मृति रानी, प्रवीण दरेकर, ये तमाम लास्ट में देखिए नवनीत राणा जो कभी इंडिपेंडेंट और कभी भाजपा के साथ रही है, और संजय कुत्ते और अजय नेते का भी नाम इसमें शामिल है। ये पूरी सूची दिखाती है कि महाराष्ट्र के दिग्गजों के साथ साथ केंद्र के दिग्गज और अपने अपने राज्यों में जातीय समीकरण के दिग्गज जिनको अभी मुख्यमंत्री बनाया गया है, इन सभी का नाम इसमें शामिल है। अपने आप में सूची बहुत कुछ कहती है, लेकिन अंततः सबसे महत्वपूर्ण बात एक ही निकल कर आती है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर महाराष्ट्र में चाहे उपचुनाव हो, चाहे बाय इलेक्शन हो, चाहे विधानसभा के इलेक्शन हो, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है। और दूसरे नंबर से प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह, गडकरी, योगी आदित्यनाथ का भी नाम शामिल है। तो आप देखें कि सभी स्टार प्रचारक कम से कम 2 से 4-5 रैली करने वाले हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी, अमित शाह की रैली, नरेंद्र मोदी लगभग 10 से 16 रैली करेंगे और अमित शाह की रैली भी बहुत ज्यादा होगी, और उसमें बोले जाने वाले बयान, उसमें बोले जाने वाली बातें अपने आप में इस चुनाव के रुख को बदलने का मादा रखती है। और सबसे बड़ी बात है अदिति, आपने जिस तरीके से बताया कि केंद्र के साथ ही साथ प्रदेश के चेहरों को भी इस लिस्ट में जगह दी गई है बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची में, लेकिन दिलचस्प ये है कि नवनीत राणा का नाम भी इसमें शामिल है। अमरावती से लोकसभा का चुनाव भी उन्होंने कंटेस्ट किया था, हालांकि उन्हें शिकस्त झेलनी पड़ी थी, लेकिन अमरावती से निर्दलीय वो सांसद रह चुकी हैं। हमने देखा कि किस तरीके से प्रदेश में खासतौर पर हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर के वो सुर्खियों में आई थी, अब स्टार प्रचारकों में नवनीत राणा का नाम आना ये क्या बताता है, इसके पीछे क्या संदेश देने की कोशिश? अदिति, ठीक है, शायद अदिति तक आवाज नहीं पहुंच रही है, एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार महाराष्ट्र से जुड़ी हुई, जहां पर बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट सामने आ चुकी है। आप सबसे पहले देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम इसमें है, इसके अलावा जेपी नड्डा, इसके अलावा आप देखेंगे राजनाथ सिंह का नाम शामिल है, कई राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी प्रचार प्रसार करेंगे, अमित शाह, नितिन गडकरी, योगी आदित्यनाथ, इसके अलावा प्रमोद सावंत का नाम भी इसमें शामिल है। कई राज्यों, खासतौर पर जो आसपास के राज्य हैं, चाहे वो गोवा हो, इसके अलावा गुजरात, वहाँ के मुख्यमंत्रियों को भी यहाँ पर प्रचार प्रसार के लिए उतारा जाएगा। इसमें आप देवेंद्र फडणवीस जो कि राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं उनका नाम भी देख सकते हैं 15वें नंबर पर। इसके अलावा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका भी नाम इसमें शामिल है, भूपेंद्र यादव का नाम भी इसमें शामिल है, अश्विनी वैष्णव, नारायण राणे, पीयूष गोयल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, इसके अलावा और जो प्रदेश के बड़े चेहरे हैं उनका नाम भी इसमें समाहित किया गया, अशोक चव्हाण, इसके अलावा और भी नाम है, विनोद तावड़े भी वहां पर प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। बीजेपी की ये स्टार प्रचारकों की सूची आपकी टीवी स्क्रीन पर, और इसमें तमाम बड़े नाम जिनको स्टार प्रचारक के तौर पर जिम्मेदारी मिली है।